ओके सर, थैंक यू, आपने हमारी शॉप से माइक्रोवेव परचेज़ किया है। सर ये आपका बिल है, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये कच्चा बिल क्यों, कुछ पक्का हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा आपका? सर एक्चुअली हमारी शॉप अभी सेटअप हो रही है, तो बिलिंग सिस्टम थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। सर ओरिजिनल बिल तो चाहिए होगा ना, हार्ड कॉपी, जिससे मतलब मेरे पास क्या प्रूफ रहेगा मैंने यहाँ से परचेज़ किया। सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी बड़ी दुकान हमने आप ही के लिए खोली हुई है। अच्छा वारंटी कार्ड तो देंगे सर, वारंटी कार्ड तो चाहिए होगा। वारंटी कार्ड आपके माइक्रोवेव के बॉक्स के अंदर ही है सर, वो सब ठीक है सर आपकी बात, बस स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं कैसे मतलब मेरे पास। सर मैं आपको अपना डायरेक्ट कार्ड दे देता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत हो आप इस पर फ़ोन कीजिएगा। चलिए ठीक है, कॉल करेंगे आपको कोई दिक्कत आएगी तो। हाँ हेलो, विनोद जी बोल रहे हैं गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से। सर एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक माइक्रोवेव परचेज़ किया है, मैं अनुराग बोल रहा हूँ, एक हफ्ते पहले आया था मैं आपकी शॉप पे। हाँ जी हाँ जी अनुराग जी, एक्चुअली सर वो माइक्रोवेव में ना कुछ इशू आ रहा है, हीट नहीं कर रहा है प्रॉपर। कोई बात नहीं सर, आप मुझे एक घंटे का टाइम दीजिए, मैं अभी ज़रा अपने टेक्नीशियन को भेजता हूँ आपके साइड पर। सर बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी 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 थैंक यू, बढ़िया है। सर कोई आया नहीं आपका टेक्नीशियन? नहीं सर मैंने भेजा था। सर एक मिनट ज़रा लाइन पर रहिए, मैं उससे ज़रा कॉन्फ्रेंस पर लेता हूँ। अरे यार एक कस्टमर पीछे पड़ गया यार। अरे वो पिछले सीजन का बचा नहीं था एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव वाला, वो इसको दिया था ना मैंने। सर टेक्नीशियन से बात हो नहीं पा रही, उसका फ़ोन बिजी आ रहा है। अच्छा आप मुझे एक घंटे का टाइम दीजिए, टेक्नीशियन को मैं कहता हूँ आपको कॉल करेगा। ठीक है सर, ज़रा करवाइए सर, वो माइक्रोवेव के बिना सर फिर थोड़ा दिक्कत होती है ना, बच्चे बच्चे हैं घर पर। सर बस हाँ ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू यार बकवास। अनुराग के बार बार कॉल करने पर भी डीलर ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने जाके देखा तो वो दुकान बंद हो चुकी थी। अब वो सोच रहे हैं कि वो कस्टमर केयर पे फ़ोन करें और अपनी कंप्लेंट करें। हेलो नमस्कार, कस्टमर केयर सर्विस में आपका स्वागत है, मेरा नाम है अभिनव, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी एक्चुअली मैंने रिसेंटली एक माइक्रोवेव परचेज किया है गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से जो दिल्ली में है, तो कुछ इशू आ रहा है उसमें, आप हेल्प कर सकते हैं? श्योर सर, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। आप मुझे अपने माइक्रोवेव का सीरियल नंबर बता सकते हैं प्लीज़? तो ये सीरियल नंबर कहाँ मिलेगा मुझे? सर ये आपके वारंटी कार्ड में राइट साइड पे ऊपर लाल रंग से लिखा होगा। सर वारंटी कार्ड तो मेरे पास है नहीं। कोई बात नहीं सर, आप अपने बिल में देखिए, वहाँ पे कहीं पे मेंशन होगा। हाँ मेरे पास बिल है, एक सेकंड मैं बिल में देखता हूँ, एक सेकंड। नहीं सर इस पे तो लिख नहीं रहा मुझे। आप ऐसा कीजिए एक बार मुझे अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कराइए, मैं चेक करता हूँ, शायद मोबाइल नंबर से हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड हो आपका प्रोडक्ट। 9990099। सर ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं का क्या मतलब होता है? सर मैंने अभी तो ख़रीदा है गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स है। सर शायद आपने कोई दूसरा नंबर दिया हो जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे थे। 8445743। सर माफ़ी चाहता हूँ, ये नंबर भी रजिस्टर नहीं है आपका। सर एक बार आपकी ईमेल आईडी से भी चेक कर लेता हूँ, आपका ईमेल आईडी बताइए प्लीज़। anurag.11@gmail.com। आई एम सॉरी सर, आपका ईमेल आईडी भी नहीं सिस्टम में शो कर रहा सर, बट मैंने अभी परचेज़ किया सर, मतलब 20 दिन भी नहीं हुए हैं सर, बिना वारंटी कार्ड, बिना सीरियल नंबर, बिना बिल के हम लोग सिस्टम में कुछ भी चेक नहीं कर पाएंगे। अच्छा क्या, छोड़िए आप सीरियल नंबर और बिल नंबर को, आप अपने टेक्नीशियन को मेरे घर भेजिए, मेरा प्रोडक्ट ठीक करके जाए, वो ख़राब हो गया मेरा माइक। सर कोई बात नहीं सर, मैं टेक्नीशियन को फिर भी आपके घर पे भी भेज देता हूँ, बट इस विजिट के सर चार्जेस लगेंगे 500 रुपये। किस बात के 500 रुपये लगेंगे? अभी मेरे को 20 दिन हुए नहीं है, पूरा एक साल का वारंटी देते हैं इस प्रोडक्ट पर। सर बिल्कुल वारंटी में होता है एक साल तक, लेकिन बिना वारंटी कार्ड के और बिना ओरिजिनल बिल के ये वारंटी वॉइड रहता है सर। ये क्या बात हुई, अरे पूरा वारंटी में है मेरा जो प्रोडक्ट, मैंने अभी तो खरीदा है प्रोडक्ट। सर अगर आपके पास वारंटी कार्ड होता तो ये चार्ज फ्री होता। सर मेरे को जब वारंटी कार्ड दिया ही नहीं है आपके डीलर ने। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन हमारा सिस्टम बिना ट्रैकिंग नंबर्स के, बिना सीरियल नंबर के काम नहीं कर पाएगा। मेरी बात सुनिए, मैंने अभी 20 दिन पहले यहाँ गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से दुकान नहीं ने खोली है थोड़े दिन पहले सर, और अगर टेक्नीशियन ने कोई पार्ट चेंज किया तो उसके चार्जेस अलग होंगे। अगर कुछ पार्ट खराब निकला तो मैं क्यों पैसे दूँ? वो डिफेक्टिव पार्ट है, वो पार्ट ही डिफेक्टिव है पहले से, मैंने थोड़ा ना खोल के अपना खराब करा उसको। तो सर आप कहें तो मैं रजिस्टर कर दूँ। सर क्या आप अभी भी लाइन पर कनेक्टेड हैं? हेलो सर आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है सर, आप अपने टेक्नीशियन को भेजिए। हाँ मैं दे दूंगा 500 रुपये विजिटिंग चार्ज, आप प्लीज़ भेजिए, मेरा माइक्रोवेव ठीक करवाइए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो पक्का बिल ज़रूर लें, और उसके बाद जो वारंटी कार्ड है उस पर कंपनी का स्टैम्प ज़रूर लगवाएं। ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद।